अभी लैंडस्लाइड के लिए रोका हुआ था यहाँ पे, लैंडस्लाइड हो रही थी आगे, आप भी जाने दिया है, 10 मिनट हो गए थे रुके हुए, क्योंकि कल जो एक्सीडेंट हुआ ना उसकी वजह से तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी हमारे पास। उससे एक हफ्ते पहले ना उसी जगह पर सेम लोकेशन पे एक इनोवा का भी एक्सीडेंट हुआ था और सबके सब उसमें मतलब, बाकी ये भाई ना हमारे लिए ना मतलब ये समझ लो भगवान के दूत बन के आए हैं वहाँ पर, इतने परेशान थे हम, एकदम से आए वो और कहते कि हम ले जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रात को ही ना उसकी थोड़ी तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत थी, क्योंकि उत्तरकाशी में ना डॉक्टर्स वगैरह का इतना मेडिकली इतना ना इतना अच्छा है नहीं, फैसिलिटीज़ वगैरह। उत्तरकाशी आ रहे तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अभी रोड देखो काफ़ी ख़राब है, अभी कंडीशन है नहीं वैसे तो बाइक वगैरह से आने की, बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होगी और पेट्रोल के पाइप वगैरह टाइट हो जाते हैं, फट जाते हैं वो ज़्यादा ठंड की वजह से ना, तो दिक्कत तो देखो है काफ़ी। अभी लैंडस्लाइड के लिए रोका हुआ था यहाँ पे, लैंडस्लाइड हो रही थी आगे, आप भी जाने दिया है, 10 मिनट हो गए थे रुके हुए। तो अभी भी हाँ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी है जगह जगह पे, तो उत्तरकाशी आओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उत्तरकाशी और हर्षिल कि लैंडस्लाइड की दिक्कत तो आएगी। और उसमें ये है कि कभी कभी आपको देखो यहाँ पे भी स्ट्रिप लगा रखी है, यहाँ से भी रोका हुआ था लोगों को, उसमें ये है कि कभी कभी तो आपके 10 मिनट में भी खोल देंगे और कभी कभी होगा कि दो तीन घंटे भी लग जाएंगे खोलने में, कि मतलब दो तीन घंटा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, तो ये डिपेंड करता है लैंडस्लाइड के ऊपर। अभी जैसे इसमें यहाँ पे हल्के फुल्के छोटे मोटे पत्थर गिर रहे थे तो इस वजह से 10 मिनट के लिए रोकी थी बस, बाकी सिचुएशन ना अभी काफ़ी ठीक ठीक है पहले से, क्योंकि कल जो एक्सीडेंट हुआ ना उसकी वजह से तो मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी हमारे पास। हर्षिल में बुलेट थी तो बुलेट को भी लेके आना था, एक भाई मिले थे हमें बहुत ही अच्छे, मतलब जिसको कहते हैं ना, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब रोया नहीं था बस, बाकी ये समझ लो रोने से रोया ही हो गया था बस, रोने वाला ही सीन हो चुका था, बस आंसू नहीं निकले थे, बाकी अंदर से अच्छी तरह रो चुका था। बुलेट तो जिसकी थी ना, जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी बुलेट थी, और वो भाई तो हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ से हर्षिल से जो बुलेट लेके आनी थी ना हर्षिल में ना, मतलब हमारी बहुत बुरी हालत थी, कोई मिल ही नहीं रहा था कि बाइक को लोड वोड करके लेके जाए कहीं किसी भी तरीके से। और उस टाइम पे हमें उत्तरकाशी आना भी था, क्योंकि उस भाई को ना जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसे हम उत्तरकाशी हॉस्पिटल भेज दिया था उसे एम्बुलेंस में, पहले तो हर्षिल में ही थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट हुआ था स्टिचिंग वगैरह, फिर उसके बाद क्या हुआ उन्होंने उत्तरकाशी भेज दिया था, और उत्तरकाशी के बाद उत्तरकाशी हमें उसी दिन आना, मतलब बेसिकली कल ही आना था उत्तरकाशी भी, और रात के टाइम ना वहाँ पे रास्ता थोड़ा सा ख़राब होता है, मतलब पाला पड़ जाता है, पाला बेसिकली वो ब्लैक आइस, हाँ हम ब्लैक आइस बोलते हैं उसे, जो बेसिकली ऐसा लगता है कि गीला गीला है लेकिन वो इतनी मोटी मोटी आइस हो जाती है रोड पे, और उस पर ना आपकी गाड़ी बाइक तो छोड़ो गाड़ी भी फिसलती है। जहाँ पे उस भाई का एक्सीडेंट हुआ ना उससे एक हफ्ते पहले ना उसी जगह पर सेम लोकेशन पे एक इनोवा का भी एक्सीडेंट हुआ था और सबके सब उसमें मतलब बचना शायद मुश्किल सा हो गया था, और उन्होंने देहरादून शिफ्ट किया था। बाकी ये भाई ना हमारे लिए ना मतलब ये समझ लो भगवान के दूत बन के आए हैं वहाँ पर, इतने परेशान थे हम, एकदम से आए वो और कहते कि हम ले जाएंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने पहले कल रात को हर्षिल से उत्तरकाशी लेके आए, फिर अब ये उत्तरकाशी से हमारे साथ ऋषिकेश तक भी जा रहे हैं, मतलब इतने ब्लेसफुल है ना, वरना पता नहीं है कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हमें भी, क्योंकि वहाँ पे भी जाना है हमें हॉस्पिटल। और हाँ रात को ही ना उसकी थोड़ी तबीयत में थोड़ा सा दिक्कत थी, क्योंकि उत्तरकाशी में ना डॉक्टर्स वगैरह का इतना मेडिकली इतना ना इतना अच्छा है नहीं फैसिलिटीज़ वगैरह गवर्नमेंट में, तो मतलब जो भी था वो तो ठीक था, लेकिन उत्तरकाशी वालों ने ये चीज़ बहुत अच्छी कर दी कि रात को ही ना शिफ्ट करवा दी उन्होंने, ऋषिकेश एम्स में भिजवा दी उन्होंने ऋषिकेश में, तो ये चीज़ बहुत अच्छी करी। तो जो हमारा फ्रेंड था वो रात को ही चला गया था एम्स में, उसके साथ एक और बंदा जिसको जो पीछे बैठा हुआ था पिलियन राइड, उसकी ना पीछे ये चिद्दी वाली उंगली टूट गई, उसकी भी हड्डी में क्रैक आ गया उसकी, तो वो दोनों तो साथ चले गए थे। रात को 3 बजे पहुँचे वो, उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह हो चुका है स्टार्ट,
अब हमें जल्दी से जल्दी ना ऋषिकेश पहुंचना है बस कैसे भी करके। और हमने अपने दोस्तों को भी फ़ोन कर दिया, तो वो दिल्ली से भी आ रहे हैं अभी, हम इतने में ऋषिकेश पहुंचेंगे, वो भी दिल्ली से ऋषिकेश इतने पहुंच जाएंगे, मतलब 12 बजे के करीब शायद। हाँ नहीं, वो 12 बजे के करीब निकलेंगे, तो 12 से 4 बजे तक वो पहुंच जाएंगे, 4 या 5 बजे तक। तो हम ट्राई करेंगे कि आज ही भाई को दिल्ली लेके जाए गाड़ी में, और फिर वहाँ से जितना पॉसिबिलिटी हो सकती है अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की वो करवाए, क्योंकि उसकी ना अभी स्कल जो है उसमें शायद क्रैक व्रैक आया है। अब डॉक्टर ने तो उत्तरकाशी में तो बोला था कि माइनर क्रैक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा फिर वो अपने आप। लेकिन उन्होंने साथ में ना ये चीज़ भी बोल दी कि बाकी तुम अच्छे वाले हॉस्पिटल में दिखवा लो, यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ कम है तो पता नहीं चल पा रहा है इतने अच्छे से। और जो भाई है ना हमारा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी ना आइस पे भी ना मतलब काफ़ी ब्लड ब्लड हो गया है। तो अभी मेरे ख्याल से तो सिचुएशन इतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो भाई मिले ना, इन लोगों ने मैं मतलब बता नहीं सकता कि कितनी हेल्प करी है हमारी। हाँ मतलब अभी भी कर ही रहे हैं, ये हमारे लिए ना एक तरीके से भाई भगवान के दूत ही बन के आए हैं। क्योंकि मैं वहाँ पर शाम के टाइम 3:30 बज रहे थे जिस टाइम पे हम वहाँ पर बैठे हुए थे, हम सोच रहे थे हम करें क्या। अंकुश तो खैर वो तब भी ट्राई करे जा रहा था कि इधर उधर कुछ गाड़ी वाड़ी मिल जाए कि लोड करके ले जाएं हम बाइक को, क्योंकि वहाँ पे छोड़ भी नहीं सकते, एक हफ्ते के अंदर अंदर ना वहाँ पे सब बंद हो जाएगा, हर्षिल में बर्फ वगैरह पड़ जाएगी, तो एक हफ्ते के अंदर सब नीचे आ जाएंगे वहाँ से। तो 6 महीने के लिए वो वहाँ पे पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, और इसका मतलब ये समझ लो आपकी बुलेट पूरी ख़त्म। क्योंकि जो पेट्रोल वगैरह ये जो विंटर्स वगैरह पड़ती है ना, उस टाइम पे पाइप्स वगैरह सब फट जाते हैं। अगर जो ये नहीं मिलते ना, तो यही चीज़ होनी थी, हम बाइक वहाँ पर छोड़ के जाते, क्योंकि हमारा ना उत्तरकाशी का लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ ना, हम ना बाइक से, जिस बाइक एक्सीडेंट तो देखो इसी मोजो पे हुआ था, बाइक को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मतलब राइडर को भी कुछ नहीं होता, बस वो ना हेलमेट उसका निकल गया एकदम से, बाकी उसके कहीं पर भी चोट नहीं आई, प्रॉपर गेयर्स वगैरह सब पहने हुए थे, कहीं पे स्क्रैच तक नहीं आया बॉडी में। लेकिन हेड पे जैसे लगी है ना उसके, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी लगी है, अगर जो हेलमेट निकलता नहीं है ना तो वो भी नहीं लगती उसके चोट। बस वही है कि हेलमेट निकल गया तो इस वजह से सर पे चोट लग गई। बाकी हर्षिल तो ना हमारे लिए एक तरीके का नाइटमेयर की तरह हो गया भाई, मतलब बहुत ही गंदा सपना जो भी स्टिल कंटिन्यू है। उत्तरकाशी आ रहे तो ये चीज़ का ध्यान रखना, अभी रोड देखो काफ़ी ख़राब है, अभी कंडीशन है नहीं वैसे तो बाइक वगैरह से आने की, आ भी रहे हो तो गाड़ी से ही आना हर्षिल और उत्तरकाशी वालों के लिए, क्योंकि रोड की ना मतलब हर कुछ टाइम बाद, आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद ऐसी कंडीशंस हो जाती है रोड की, और इसमें ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है चलाना, और फिसलने का भी डर है, टायर फटने का भी डर है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ऋषिकेश हमारा 100 किलोमीटर दूर रह गया बस, और 2 घंटा 40 मिनट दिखा रहे हैं, तो होपफुली जल्दी पहुँच जाएंगे। और देखो बीच बीच में जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुई थी और काफ़ी टाइम हो गया ना, वहाँ की देखो रोड ठीक कर दी है, बिल्कुल नई की नई हो गई है, तो इसलिए अच्छा है, थोड़ा सा और वेट करो, जो पीछे लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है ना उनमें भी काम ही चल रहा है अभी, तो वो भी ठीक हो जाएगी, फिर आराम से आ सकते हो। बेसिकली 2023 तो खैर ख़त्म, 24 की भी स्टार्टिंग में ना आके ना मिड में मई जून में आओ तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम तक तो मे भी शायद हाँ लैंडस्लाइड भी ना हो अभी सर्दियों में ज़्यादातर, तो क्योंकि बारिश वारिश के मौसम में ही होती है लैंडस्लाइड वगैरह, तो मई जून में आओ तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ लैंडस्लाइड की वजह से रोड वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए मिलेंगे। तो ये एक लेसन मिला है हमें कि अगर जो कभी भी माउंटेन्स वगैरह में जाना है ना, तो मई जून का भी टाइम अच्छा ही होता है। देखो लैंडस्लाइड बेसिकली उस टाइम पे होते हैं, लेकिन तुम देख के जाओ कि बारिश ना हो रही हो, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसके बाद लैंडस्लाइड होता है। अभी ना हम बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुके थे, तो एक चीज़ बहुत अच्छी पता चली, जो ये भाई है ना हमारे साथ जो बाइक चला रहे हैं हमारी, तो इनका भी प्लान पहले बाइक से आने का था, लेकिन मे भी शायद कोई इनकी बाइक एक कम पड़ रही थी या फिर मेंबर ज़्यादा था वही, हाँ कम पड़ रही थी शायद बाइक, तो इस वजह से ना ये गाड़ी से आ गए।
और ये जब हर्षिल पहुँचे ना तो इनका बहुत मन था उस टाइम पे कि हाँ यार बाइक से बाइक चलाने का मन। और सोचो उस टाइम पे हमें ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई ऐसा मिल जाए बाइक चलाने वाला। मतलब सोच के देखो भगवान ने ना कितनी है, मतलब कितने ज़्यादा लेवल पे, मतलब सोच के देखो यार भगवान कितने ज़्यादा मतलब आपको प्रोटेक्ट रखते हैं। जो चीज़ की आपको ज़रूरत है ना, दोनों साइड में मैं बोल रहा हूँ, देखो उनको जो उनको भी था कि हमें बाइक चलाना है तो उनकी भी पूरी करा दी भगवान ने, और हमें थी ज़रूरत कि भाई कोई ऐसा मिल जाए कि हमें ऋषिकेश तक छोड़वा दे बाइक को, और वो भी हो गया, हमारा भी काम हो गया, सोचो इनका भी काम हो गया। ये बात अलग है, हमारी बहुत बड़ी हेल्प हुई है इस चीज़ में, वरना आप ये समझ लो कि कम से कम 25,000 रुपये लगते हैं ऋषिकेश बाइक छुड़वाने के हर्षिल से। और बाइक वहाँ छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि 10-15 दिन बाद वहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी, और जब बर्फ़ हो जाएगी तो वहाँ से ना पूरा का पूरा हर्षिल 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा, 6 महीने या 4-5 महीने के लिए ऐसे बंद हो जाएगा वो। तो उस टाइम पे तो मतलब समझ जाओ कि जाने बेकार है, और जब आप 6 महीने बाद जाओगे तो उस टाइम में तो कंडीशन ही नहीं होगी कि बाइक स्टार्ट भी हो जाए। तो वही वाली बात है कि आपको तब भी टो ही करवा के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे जब बर्फ़ वगैरह पड़ गई होगी उस टाइम पे ना बैटरी वगैरह सब डिस्चार्ज हो चुकी होगी, बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होगी और पेट्रोल के पाइप वगैरह टाइट हो जाते हैं, फट जाते हैं वो ज़्यादा ठंड की वजह से ना, तो दिक्कत तो देखो है काफ़ी। इसलिए मैं इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारी जो हेल्प हुई है ना बहुत नेक्स्ट लेवल पे हुई है, वरना हमें पता है हम कितने परेशान थे हर्षिल में। जब भी जाओ ना बाइक वाइक पे, चाहे कहीं लोकल में भी निकलो, तो हेलमेट पहनो, कोई सा भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो हमारे वाला भी हेलमेट बहुत अच्छा महंगे वाला था, लेकिन नहीं बचा पाया ना उसने, क्यों? क्योंकि गलती थी भाई हमारी। अब गलती भी क्या यार, उसे कुछ भी बोल लो, मतलब टाइमिंग बोल लो, क्योंकि पूरे रास्ते से तो देखो बंधा हुआ था, लोग हेलमेट का लोक लगा रहे खड़ा पूरे रास्ते तो। लेकिन ऋषिकेश पहुँचने से हर्षिल पहुँचने से 5 किलोमीटर पहले ही हमने ना बाइक वगैरह चेंज करी, तो उस चक्कर में उसने लोक नहीं लगाया हेलमेट को अपने, तो इसलिए जैसे ही गिरा ना वो हेलमेट दूर जाके गिरा, वरना हेलमेट पहने रखा होता ना तो कुछ भी नहीं होता, मतलब हेलमेट अगर जो गिरता नहीं। ये अभी हमारी दूसरी टनल है, नाम तो नहीं पता इसका टनल का, लेकिन देखो हाई बीम पे ही है, मौजे चल रही है मेरे से काफ़ी आगे, लेकिन तब भी इसकी आवाज़ ना इतनी गूंज रही है इसके अंदर, कुछ तो अच्छा दिखा देखने को। यहाँ की वैसे रोड वगैरह तो ठीक ही आ रही है, अब जो भी था ना दिक्कत ये समझ लो उत्तरकाशी से 50 किलोमीटर इधर आने में, ऋषिकेश आने में ही ज़्यादा दिक्कत थी, बस 50 भी नहीं 40 किलोमीटर आने में ज़्यादा दिक्कत थी, बाकी अब तो ज़्यादातर तो ठीक आ रही है। देखो फेंसिंग वगैरह भी लगा रखी है ऊपर, और ये और भी जगह पीछे ऐसी जगह थी जहाँ पर लग रही थी। और मुझे ना एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, और वो पता है ये चीज़ थी, क्या नाम है, उत्तराखंड की एम्बुलेंस सर्विस। देखो हर्षिल में जो हुआ ना, हर्षिल में जैसे एम्बुलेंस वगैरह आई वो तो हमारी किस्मत ही मान लो कि एकदम सही जगह पे एक्सीडेंट वगैरह था, सही जगह मतलब क्या ही बोलो, एक्सीडेंट के लिए तो कोई सही जगह हो ही नहीं सकती, लेकिन ये समझ लो मतलब जितना प्रोटेक्ट हो सकते थे ना वो उतना ही हुआ, क्योंकि हर्षिल का जो आर्मी कैंप था ना उससे बस 2 या 3 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हुआ, तो फ़ोन करा ना जैसी मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई थी, एम्बुलेंस आई लेके गई, स्टिचिंग वगैरह करे उसने, तो वो सब चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से हुई, और उसे लगा कि हाँ ठीक है यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने हमारे को एक ही बार बोला कि उत्तरकाशी लेके जाना है तो बताओ, या तो आप खुद के उससे लेके जा सकते हो वरना हम खुद भी छोड़ देंगे फ्री में। और फिर जब हम उत्तरकाशी गए तो शाम तक उन्होंने भी, डॉक्टर ने बोल दिया था कि यहाँ से अच्छा है कि आप सीधा उत्तरकाशी से ना ऋषिकेश एम्स के लिए रेफ़र कर दिया, और वहाँ पर भी एम्बुलेंस आ गई थी थोड़ी देर में ही आ गई थी वहाँ पर। हाँ हालांकि हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी एम्बुलेंस के लिए, तो रात को ही लेके चले गए थे, वो 3 बजे तक पहुँच गए थे, फिर वहाँ पर पहुँच के ही ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट होने लग गया। तो ये सब चीज़ें ना देखो, बुरा तो देखो जितना हो सकता था हुआ, लेकिन इससे भी बुरा हो सकता था, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है हमारी हर तरीके से।
अब चाहे तुम ये एम्बुलेंस सर्विसेज बोल लो या फिर ये जो भाई हमारे साथ आ रहे हैं इनसे बोल लो, मतलब इन्होंने तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, वरना अभी तक तो हम उत्तरकाशी में यही सोच रहे थे कि आना कैसे है, बाइक को कैसे लाए। बाकी ये देखो ये रे गाड़ी वाले जो भाई जिन्हों हमारी हेल्प कर रहे हैं, हर्षिल से जब से मिले हैं ना मतलब काफ़ी इजी हो गई हमारी ज़िंदगी, वरना भाई कोई नहीं होता सर्दी में ना अपनी गाड़ी छोड़ के आए बाइक पे, लेकिन इन भाई ने मदद करी हमारी काफ़ी। तो अभी काफ़ी पास पहुंच गए हम। तो यार जैसे जैसे हम ऋषिकेश के पास पहुंचते जा रहे हैं ना वैसे वैसे चीज़ें अच्छी सुनने को मिलने को आ रही है। तो अभी पता चला है जो उसकी टेस्ट वगैरह जो सुबह टेस्ट हुए थे ना जितने भी, तो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आ गई है अभी, और रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, सबसे अच्छी बात तो ये, ठीक है। ब्रेन वगैरह में कहीं पर भी ऐसा कुछ डैमेज नहीं आया, तो मेन ये जो चीज़ थी ना ये चीज़ तो क्लियर हो गई। बस जो स्कल वाला स्कल क्रैक का है ना वो तो है, लेकिन उसमें ना वो कह रहे हैं कुछ इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ना टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो बाकी ना डिस्चार्ज वगैरह उनको मिल चुका है अभी उन सब चीज़ों के लिए, लेकिन अभी ना आईज़ वगैरह का टेस्ट चल रहा है, क्योंकि आईज़ भी उसकी सूज गई थी, ब्लड वगैरह रखा था आईज़ के ऊपर, तो आईज़ का टेस्ट चल रहा है, तो देखते क्या पता चलता है उसके लिए भी जाके। हाँ लेकिन जो मेन दिक्कत थी ना वो तो हो गई क्लियर, और वहाँ से उस चीज़ का तो उसे डिस्चार्ज भी मिल गया। तो अभी हम सीधा हॉस्पिटल ही जाएंगे, हॉस्पिटल जाकर देखते हैं अब क्या रहेगा। मे बी आज या तो हम शायद यहीं पे ऋषिकेश में ही रुक जाएंगे, क्योंकि यार देखो वो जो दो लोग हैं ना दो दिन से मतलब उनकी लगी पड़ी है, आज का पूरा दिन हो गया कल का पूरा दिन हो गया, एम्बुलेंस में इधर उधर धक्के खाना, या फिर मतलब वो रात को जब आ रहे थे ना बता रहा था हमें रोहित, उसको ना रात को पूरी रात नींद भी नहीं आ पाई। तो अच्छा है कि रूम वगैरह लेके सो जाएं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों को तो बुला लिया है, वो भी आ रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, वो चार साढ़े चार तक पहुंच जाएंगे जहां तक लगता है हमें, ठीक है। तो वो भी पहुंच जाएंगे, तो वो भी आज रुक जाएंगे, क्योंकि आज ही अगर जो उनको भी ले बोले कि आज ही चले जाओ तो वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा उनके लिए भी। तो अच्छा है कि देखो सब चीज़ तो अभी अच्छी ही हो रही है ना, माना ठीक है एक टाइम आया था बहुत सारी चीज़ें एकदम से बुरी हुई, ठीक है, मतलब एक टाइम तो ऐसा ही हो गया था बिल्कुल जो हो जाते हैं ना हर्षिल पहुंच के एकदम लाचार बन जाता है बंदा, वो वाला सीन हो गया था हमारे साथ, लेकिन अब धीरे धीरे ना सब चीज़ें कंट्रोल हो रही है और सब चीज़ पॉजिटिव की साइड जा रही है, तो ये अच्छे साइन है। तो इससे अच्छा है कि ना हम भी थोड़ी सी समझदारी दिखाए और आज यहीं पर रुकते हैं, तो भी एक बार जाते हैं हॉस्पिटल, फिर पता चलेगा कि क्या बात है क्या नहीं। अभी यहाँ से ले लिए हमने पेशेंट को, जो हमारा पेशेंट है भाई हमारा, अभी जा रहे हैं वापस हम होटल में, अब होटल देखेंगे इधर कहीं आसपास, और फिर जब दिल्ली से दोस्त आ जाएंगे ना तो देखते हैं बात करते हैं, अगर जो वो आज ही वापस जा सकेंगे तो आज निकल जाएंगे, वरना कल जाएंगे, इसलिए फ़िलहाल तो अभी होटल ले रहे हैं, होटल देख के देखते क्या होता है। ये निकल गए हम एम्स से बाहर, इधर ही कहीं रिक्शा में होगा, वो ले गया क्या आगे आगे चला गया हैं पीछे है? रिक्शा करवा दिया इनकी भाई, हालत तो ठीक है उसकी, अब बोल बोल पा रहा है अच्छे से, सब चीज़ समझ पा रहा है, बस स्टिचेस जो आए हैं ना वो थोड़े दर्द करेंगे अभी। रिक्शा वाले ने ही बताया, अभी एक पास में होटल त्रिवेणी घाट के पास है बेसिकली, वो तो वहीं पर ही जाएंगे,
और रुकते हैं वहाँ पर, देखते पहले तो होटल है कैसा कैसा नहीं। बाकी लगा ना कोशिश अच्छी सी लगी मेरे को कि क्या नाम है, ठीक है भाई अब हंसी मजाक हो रहा है तो भाई से भी मिलवाऊंगा उसकी कैसी हालत है। उस मोमेंट पे तो भाई मेरी भी हंसी निकल गई। वो ये डाउन हुआ, खाना नहीं खाया था ना रात को, डाउन हुआ मतलब सुबह से नहीं खाया था, कल से कुछ खाया नहीं, तो डाउन हो गया था ना कल से। कुछ नहीं खाया अभी, तो सैंडविच खाया था शाम को।